अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को क्लियर? यस मैम। बच्चे बच्चे थोड़े से ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़नी है एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स। टीबी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा कि इसमें क्या होता है कि कफ के साथ फीवर, कफ और एक्सट्रीम कंसोलिडेशन वगैरह ये चीजें नजर आती हैं। जो ड्रग्स हम पढ़ेंगे ये उनके नाम है आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिन, पाइरेज़िनामाइड, हेमिडोज़, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट टाइम थेरेपी की ड्रग्स हैं। टीबी है क्या? एक पेशेंट है आपके पास, प्रेजेंट किया है, उसे डिस्निया है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फीवर है, प्रोडक्टिव कफ है। प्रोडक्टिव कफ क्या होती है? जो उसमें स्पूटम होता है, विद स्पूटम वाली जो कफ होती है उसे हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। और इसके ऑपोजिट जो दूसरी कफ होती है जिसमें नहीं होता स्पूटम, उसे हम ड्राई कफ कहते हैं। इसमें प्रोडक्टिव कफ होगी, नाइट स्वेट्स होंगे और ये सारे सिम्टम्स जो है वो 2 महीनों से चल रहे होंगे ऑलमोस्ट। इसके अलावा एक्सरे पे जब हम उसके देखेंगे तो अपर लोब की कंसोलिडेशंस होंगी और इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसका स्पूटम एनालिसिस करेंगे, कल्चर करेंगे, तो उसमें हमारे पास एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो मिलेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस हमें मिलेगा इसके स्पूटम के एग्जामिनेशन पे। कंसोलिडेशंस क्या चीज होती है? एक्सरे में हमें डार्क सा एरिया नजर आए, जैसे कि अगर एयर की जगह जहाँ पे एयर फिल्ड होती है वहां पे हमें ट्रांसपेरेंट सा नजर आ रहा होता है, ठीक है। अब एयर की जगह पे अगर कोई फ्लोइड या कोई पस वगैरह प्रेजेंट होगी तो हमें, या म्यूकस प्रेजेंट है तो हमें फिर वहां पे वो डार्क एरिया ब्लैक सा नजर आएगा, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि ये कंसोलिडेशन है। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? कि जो पेशेंट है उसमें एक्टिवली ये डिजीज प्रेजेंट है, उसे कफ भी है, उसे नाइट स्वेट्स भी आ रहे हैं, उसकी एक्सरे में भी फाइंडिंग्स आ रही है और हमारे पास उसकी जो है फीवर डिस्निया वगैरह भी उसमें मौजूद है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम उसको 6 मंथ्स की थेरेपी या 9 मंथ्स की थेरेपी, दो तरीके से हमने फिर रिजीम्स बनाई हुई है, 6 मंथ्स या 9 मंथ की, हम उसे 2 रिजीम्स में देते हैं। इसको किस तरीके से करना है? जो 6 मंथ वाले रिजीम है उसमें हम फर्स्ट 2 मंथ्स आइसोनियाज़िड देंगे विद रिफैम्पिन, ये 2 ड्रग्स हम देंगे, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट 4 मंथ्स को हमने फॉलो अप करना है उसमें हम पाइरेज़िनामाइड ऐड कर देंगे। नहीं सॉरी, फर्स्ट 2 मंथ्स में हम आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिन और पाइरेज़िनामाइड देंगे, जबकि जो फॉलोइंग 4 मंथ्स होंगे उसमें हम पाइरेज़िनामाइड को एब्सेंट कर देंगे, वो निकाल देंगे। जबकि जो 9 मंथ्स के रिजीम है उसमें हमने पाइरेज़िनामाइड देनी ही नहीं है, 9 मंथ्स के लिए हमने आइसोनियाज़िड एंड रिफैम्पिन ही देनी है। डिफरेंस क्या आता है इसमें पाइरेज़िनामाइड का? आता है कि हमने पहले सिर्फ 2 मंथ्स में दी है, उसे नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए भी नहीं दी, और जो हमारी 9 मंथ्स की रिजीम है उसमें हमने थ्रू आउट उसको नहीं दी। उसकी क्या रीजन है? कि ये है तो बैक्टीरिसिडल लेकिन इसके लिवर टॉक्सिक इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि हम इसे 2 महीने से ज्यादा देर के लिए पेशेंट को दे ही नहीं सकते यूज कराने के लिए। देन हमारे पास एक चीज आती है पीपीडी रिएक्टर्स। पीपीडी क्या चीज है? जब हम पैच टेस्ट करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन जिसको हम टेस्ट कहेंगे, जो हम टीबी की लेटेंसी को चेक करने के लिए कर रहे हैं कि इस पेशेंट की बॉडी में टीबी पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है या नहीं है, चाहे उसमें एक्टिव डिजीज हो या ना हो, हम उसको चेक करें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फोर आर्म पे इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पे स्किन ड्यूरेशन देखते हैं कि कितने एरिया में जो है वो रिएक्शन आता है।
इससे हमें पता चलता है कि वो पेशेंट्स जिसमें जिनमें पहले कभी टीबी हुआ था वो ट्रीट हो गए और अब उनके अंदर वो लेटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो ये डाउट है कि वो दोबारा से रिएक्टिवेट ना हो जाए, तो उसकी रिएक्टिवेशन को स्टॉप करने के लिए जो हम मेडिकेशंस देंगे हम उसको कहते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ पीपीडी रिएक्टर्स। तो यहाँ पे क्योंकि अभी उनमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो प्रिवेंटिव है, प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आइसोनियाज़िड जो है वो हम अलोन भी यूज कर सकते हैं फॉर 6 to 12 मंथ एज प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। एक नई स्टडीज में आया है कि अगर हम 2 मंथ के लिए रिफेम्पिन और पाइरेथिनामाइड दें तो वो ज्यादा बेहतर है अदर देन कि हम 12 मंथ के लिए आइसोनियाज़िड दें। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि 12 मंथ में कंप्लायंस लॉस हो जाती है पेशेंट्स की, वो तब तक के 12 महीने में हम पेशेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो थ्रू आउट अपनी मेडिकेशन जो है वो प्रॉपरली लेता रहेगा। इस वजह से हम ये ज्यादा प्रेफर करते हैं कि 2 मंथ का कोर्स करा दें उसे रिफेम्पिन एंड पाइरेथिनामाइड का। यहाँ पर डिफिकल्टी क्या आती है कि अब पेशेंट है हमारे पास, दो तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक वो जो पीपीडी टेस्टिंग में पॉजिटिव है लेकिन उनमें टेंडेंसी नहीं है कि वो रिएक्टिवेट होगा, और एक वो जिनमें ज्यादा टेंडेंसी है कि वो रिएक्टिवेट होगा। इनको हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें पता चलेगा कि वो कौन से हैं कि जिनमें रिएक्टिवेशन होगी, तो हम इन्हें मेडिसिन दें ताकि जो ये मेडिसिन हैं जिसे हम 12 महीने के लिए या 2 महीने के लिए रिफेम्पिन और पाइरेथिनामाइड दे रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स भी हमें अचीव ना हो। इसके लिए फिर हम बैलेंसिंग करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना रिस्क है, कितने चांसेस हैं रिएक्टिवेशन के और कितने चांसेस और कितना ज्यादा रिस्क है मेडिकेशन का। कि हमें अगर अगर ज्यादा हमें ये लग रहा है कि रिएक्टिवेट हो जाएगा तो हमें फिर मेडिसिन देनी पड़ेगी, और अगर हमें ये लगता है कि ये अच्छा भला इंडिविजुअल है, अगर हमने इसमें मेडिसिन दे दी तो इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो फिर हम वो नहीं देंगे। आइसोनियाज़िड हेपेटाइटिस का रिस्क है एडवांसिंग एज के साथ, जिस तरह से एज ज्यादा होती जाएगी और पेशेंट भी अल्कोहल कंज्यूमिंग है अगर, तो वहां पे फिर ये रिस्क ज्यादा है कि हेपेटाइटिस हो जाएगी पेशेंट को अगर हमने उसे आइसोनियाज़िड दे दी। तो इसकी तरफ फिर हम चले जाते हैं कि हम इसको ट्रीट ना करें। लेकिन अगर 35 एज से कम का इंडिविजुअल है यानी यंग है और उसमें कोई रिस्क नहीं है हेपेटाइटिस डेवलप होने का, तो फिर हम उसमें ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। कितने परसेंट चांसेस हैं हेपेटाइटिस डेवलप होने के? अगर less than 20 years है तो रेयर चांसेस हैं, अगर 20 से 34 years ऑफ एज है तो less than 0.3% चांस है, अगर 35 से 49 years के दरमियान है पेशेंट तो less than 1.2% चांस है, और अगर more than 50 years है तो less than 0.3 या 2.3 तक का चांस है कि इसमें हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगा। तो हमने एज के हिसाब से ही फिर हमने ये थेरेपी करनी है कि हम दें इसे आइसोनियाज़िड या ना दें ताकि हमारा जो है वो हेपेटाइटिस की तरफ पेशेंट ना जाए। जो चीजें इंक्रीज कर रही है रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की एक्टिवेशन को, उसमें क्या चीजें आ सकती हैं कि एक तो ये कि ऑलरेडी फाइब्रोटिक स्कार्स हों चेस्ट एक्सरे पे, यानी कि जो पेशेंट था हमारा जब उसने रिकवर किया है टीबी से लास्ट टाइम जब उसे हुआ था तो फाइब्रोटिक स्कार्स अभी एक्सरे चेस्ट पे मौजूद हैं। हाउसहोल्ड मेंबर्स कोई ऐसे हो जिनमें एक्टिव टीबी चल रही हो किसी को डिजीज, या फिर वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, तो इस केस में हमारे पास ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें रिएक्टिवेशन हो जाएगी। जितना और उसके अलावा ये कि जितना ज्यादा स्किन पे रिएक्शन आएगा पीपीडी का, हमें उससे भी पता चलता है कि कितना ज्यादा इसके अंदर प्रेजेंट है और कितने चांसेस हैं इसमें रिएक्टिवेशन के, तो फिर वो हमारे ट्रीटमेंट की तरफ बात चली जाएगी। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी ने एक वो बनाया क्लासिफिकेशन बनाई है कि कौन कौन से है पेशेंट्स हैं जिनमें ग्रेटर रिस्क है रिएक्टिवेशन का या जिनमें कम है, और उन्हें किस हिसाब से हमें ट्रीट करना है। चार ग्रुप्स हमने बनाए, ग्रेटर रिस्क ऑफ रिएक्टिवेशन, मॉडरेट रिस्क ऑफ रिएक्टिवेशन, लेस रिस्क ऑफ रिएक्टिवेशन एंड लोएस्ट रिस्क ऑफ रिएक्टिवेशन। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप आता है जिसमें ग्रेटेस्ट रिस्क है रिएक्टिवेशन का। इसमें इसमें पीपीडी जो हमारा आया है वो more than 5 mm आया है, ठीक है, यानी जो स्किन पे इंड्यूरेशन आई है रिएक्शन हमारे पास शो हुआ है वो more than 5 mm है। उसके साथ साथ पीपीडी तो पॉजिटिव आया, उसके साथ साथ पेशेंट को एचआईवी है, पेशेंट के चेस्ट पे फाइब्रोटिक चेंजेस है, और उसके अलावा वो क्लोज कांटेक्ट में रहता है उन पेशेंट्स के साथ जिन्हें ऑलरेडी टीबी है,
या फिर इस केस में फिर हम ये भी देखेंगे कि बेशक पीपीडी नेगेटिव आया हो स्पेशली बच्चों के केस में, लेकिन हम उसको फिर भी 3 मंथ्स के लिए ट्रीट करेंगे, फिर हम उसका दोबारा पीपीडी करेंगे, अगर वो फिर 5 mm से कम आए तो फिर हम रिफेम्पिन को डिसकंटिन्यू करेंगे। समझ आ रही है ये चीज आप लोगों की? बच्चों समझ आ रही है? यस मैम। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडरेट रिस्क पेशेंट्स पे। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें हमारे पास पीपीडी 10 mm तक आई है, और इसके साथ साथ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं पेशेंट को जो उसके इम्यून सिस्टम को लोअर कर रही है, जैसे कि डायबिटीज है, या वो बहुत अरसे से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, और इसके अलावा स्टीरॉयड ट्रीटमेंट पे है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, या फिर जिसमें स्किन कन्वर्जन विद इन लास्ट 2 ईयर्स आती रही है, और दो पिछले लास्ट 2 ईयर्स में ही जिसको हुआ था टीबी, और वो पर्सन जो ड्रग अब्यूजर्स हैं और अपने ड्रग्स को अपने खुद ही इंजेक्ट करते हैं, ये हमारे मॉडरेट रिस्क वाले होते हैं। जो लेस रिस्क वाले हैं वो पेशेंट्स हैं जो 35 ईयर्स से कम है और उसमें पीपीडी 10 mm हमारे पास अचीव हुई है। इसमें आती हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन आती हैं जो कि होमलेस हैं, यानी कि वो मतलब ऐसे ही रहते हैं ओपन एरियाज में, या फिर वो जो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज होती हैं वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि प्रिजन्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं, या फिर वो किसी ऐसी जगह से मूव ऑन करके आया है, फॉरेन बॉर्न है, जहाँ पे हाई प्रेवलेंस होती है टीबी की। लोएस्ट रिस्क वाले पेशेंट में वो है जो एज 35 से कम है, और बेशक उन्हें पीपीडी 15 mm से ज्यादा हो, लेकिन उनमें रिस्क फैक्टर्स इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो लेस देन 35 होते हैं उनमें इस तरीके से डिजीज भी नहीं चल रही होती, कोई हेपेटाइटिस हो गया या डायबिटीज वगैरह इस तरह की डिजीजेस भी उनमें मोस्ट कॉमनली नहीं होती। ये अभी तक हमने पढ़ा है कि ये वो पेशेंट्स थे जिन्हें पहले कभी टीबी था और अब इनमें लेटेंट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनका पीपीटी टेस्ट पॉजिटिव आया है, और हम इसमें ये बस चेक कर रहे हैं, इनमें हमें ये देखना है कि हमें इन्हें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना है प्रिकॉशनली, ताकि वो टीबी कभी रीएक्टिवेट हो जाए तो उसके लिए हम पहले से उनकी बॉडी को तैयार कर दें। और अब हम ये पढ़ेंगे कि वो पेशेंट जिनमें एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है उसके लिए हम देखेंगे एंटी टीबी एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें क्या आती है, आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन एंड पायरेथिनामाइड है, ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और ये कॉज करती है हेपेटोटॉक्सिसिटी, और इनको पहले से बता देना चाहिए कि हेपेटाइटिस के क्या सिम्टम्स होंगे, तो वो अवेयर रहे पेशेंट जो ये मेडिसिन ले रहे हैं, ताकि जब भी उनमें सिम्टम्स डेवलप होने लगे तो वो फॉरन से रिपोर्ट करें। लिवर फंक्शन एंजाइम्स जो है, लिवर एंजाइम्स में एलिवेशन आएगी 15-20% पेशेंट्स में, और अगर ये इतनी ज़्यादा एक्सीड कर जाएं कि 3-5 times अपर लिमिट को क्रॉस कर जाएं लिवर एंजाइम्स, तो फिर हमें अपनी रूटीन को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। ये सारी ड्रग्स ओरली एब्जॉर्ब होती हैं, और 6-9 months के लिए इनका कोर्स दिया जाता है, ज्यादातर टिश्यूज में पेनिट्रेट करती हैं। आप लोगों ने पैथो में ये चीज पढ़ी होगी कि केशियस ग्रैनुलोमास होते हैं जो टीबी के फॉर्म में, टीबी के डिजीज में बनते हैं, तो ये उनके अंदर पेनिट्रेट करनी चाहिए, इस तरह से इनकी पेनिट्रेशन अच्छी है ताकि सारे पेट में जाती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं आइसोनियाज़िड, इसे हम एब्रीविएट करते हैं INH से, ग्रेट एंटीबायोटिक है क्योंकि इनएक्सपेंसिव है, ऑलरेडी एब्जॉर्ब होती है, बैक्टीरियसिटल है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी ना इतनी ज्यादा होती तो ये परफेक्ट एंटीबायोटिक थी ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा ये कि ये करती क्या है कि जो माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें माइकोलिक एसिड को जाके इनहिबिट करती है और उसके साथ इंटरफेयर करती है, उसकी सेल वॉल ही नहीं बनने देती, जिसकी वजह से अपना बैक्टीरियोसिडल एक्शन शो करती है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है स्पेशली अल्कोहलिक्स में, अल्कोहल इंक्रीज कर देती है इसका मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है और इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम हो जाते हैं रिस्क से ज्यादा। इसके अलावा क्या करती है, आइसोनियाज़िड के इंक्रीज करती है, ये यूरिन के एक्सक्रीशन और डिप्लीशन करवा देती है पाइरिडॉक्सिन की, जो कि विटामिन B6 है, जो कि प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, और इसकी वजह से फिर पेरिफेरल पैरेस्थीसियास, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है, रैश डेवलप होता है और एनीमिया डेवलप होता है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, काफी ज्यादा डॉक्टर्स INH के साथ ही विटामिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं ताकि इसको ओवरकम किया जा सके। इंक्रीज करेगी B6 की एलिमिनेशन को और लीवर डोपा की जो लोअर कर रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास रिफेम्पिन। रिफेम्पिन क्या करती है, रेडनेस कॉज करती है, किस चीज में, सारे बॉडी फ्लूइड्स में, यूरिन में, फीसिस में, स्लाइवा में, स्वेट में, टीयर्स में, इन सब में ब्राइट रेड ऑरेंज कलर आ जाता है रिफेम्पिन लेने की वजह से।
ये हार्मफुल नहीं होता पेशेंट के लिए, ये जो रेडनेस कॉज कर रहा है, लेकिन पेशेंट इसकी वजह से घबरा जाता है, एकदम से डर जाता है और पैनिक होकर मेडिसिन छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने देखा कि मेरे सलाइवा में आया तो कहेगा कि मुझे ब्लीडिंग आ रही है थूक में या मेरी आंखों से खून निकल रहा है, तो उसको इसमें से वो पैनिक होकर मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देता है। तो पहले से ये इन्फॉर्म कर देना चाहिए उसे। RNAX किस तरीके से करता है, इनहिबिट करता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है कि हेपेटाइटिस कॉज करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि आइसोनियाज़िड कॉज कर रहा था। इसके अलावा ये कि ये इंड्यूस करता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को, जो कि बाकी काफी सारी ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसकी वजह से बाकी ड्रग्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाती है सर्टेन ड्रग्स की, जो उन पेशेंट्स में जो रिटैम्पिन ले रहे हो, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमर्टिन है जो कि एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड थिनिंग इफेक्ट उसका रिड्यूस हो जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर ले रहे होंगे तो वो अपना इफेक्ट लूज कर जाती हैं, और एंड वुमन कैन गेट प्रेग्नेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होंगे तो वो भी लेस इफेक्टिव हो जाती हैं। इसके अलावा एंटीकन्वल्सेंट्स अगर ले रहे होंगे जैसे कि फेनिक्रोइन है तो उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है और दोबारा से सीजर्स डिवेलप होना स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट में। रिफेम्पिन क्या कह रहा था, 4 आवर्स है इसके, इसका सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर है। नेक्स्ट चीज क्या कर रहा है, माइक्रोसोमल P450 एंजाइम के ऊपर एक्ट कर रहा है, रेड ऑरेंज बॉडी फ्लूइड्स हो जाएंगे। उसके अलावा ये कि अगर इसे अलोन लिया जाए आइसोनियाज़िड के साथ नहीं ले रहे तो फिर इसके रैपिड रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पाइराज़िनामाइड। पाइराज़िनामाइड क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका नोन नहीं है, एडवर्स इफेक्ट्स जो इसके हैं इसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी आती है, 2 महीने से ज्यादा इसको नहीं देना और खासतौर पर इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है क्योंकि इसके फीचर्स पे अननोन इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल को इथेन ब्यूटेन टॉर्च याद करने के लिए सिर्फ है ये, क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे टॉर्च के फ्लेम से समझेंगे आइस को इफेक्ट होगा, उसी तरीके से ये आइस पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करती है। डोज डिपेंडेंट और रिवर्सिबल होता है, लेकिन ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है इससे, बहुत जल्दी कॉज होती है। होगा क्या, विजुअल एक्विटी लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन और कलर विजन लॉस हो जाएगी, लेकिन ये रिवर्सिबल है, ड्रग डिसकंटिन्यू करेंगे तो विजन वापस आ जाएगी। यंग चिल्ड्रन में इसे इसीलिए से नहीं देते क्योंकि चिल्ड्रन रिपोर्ट नहीं कर पाते कि हमें विजन में डिस्टर्बेंसेज आ रही है, इस तरीके से। उसके अलावा ये कि एडल्ट्स को कहते हैं कि वो अपनी विजुअल एक्विटी और कलर परसेप्शन को चेक करते रहे, और इसके लिए टेस्ट ये करते हैं उनको कि न्यूज़पेपर की जो फाइन रीडिंग्स होती हैं वो पढ़ें, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर जो हेडिंग्स होती हैं वो पढ़ ली, फाइन जो लिखा हुआ था उसको पढ़ें ताकि कन्फर्म वो पता चल सके कि ये कन्फर्म कर सकें कि उनके विजुअल डिस्टर्बेंसेस तो उन्हें नहीं आ रही। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले भी पढ़ चुके हैं, मायोग्लाइकोसाइड फैमिली से इसका ताल्लुक है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके अटैच होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, IM या IV फॉर्म में इसे देते हैं, ऑटोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना क्योंकि इन जनरल डेफनेस कॉज करता है। देन हमारे पास की फर्स्ट लाइन ड्रग्स थी, देन हमारे पास है सेकेंड लाइन एजेंट्स, उसमें पैराअमाइन और सैलिसिलिक एसिड आती है, कैप्रियोमाइसिन सल्फेट, साइक्लोसिरिन, इथियोनामाइड, कैनामाइसिन, अमीकासिन, क्यूनोलोन्स, मिसिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन जो कि यूज होते हैं, ये सब कुछ टीबी की उसके लिए। ये चार्ट मुझे मिला था एडवर्स इफेक्ट्स का, जो मेन थे वो लेक्चर में मेंशन है, लेकिन इसमें भी कुछ लिख दिए हैं देख लीजिएगा। जो सेकेंड लाइन एजेंट्स थे उनके नहीं मेंशन हुए थे तो वो ये चार्ट में ही मेंशन है, ठीक है। ये PS पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड है। ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के मेजर साइड इफेक्ट्स हैं राइट्स के रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, पाइराज़िनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन के क्या रिफेम्पिसिन कॉज करता है, रेड ऑरेंज सेक्रीशंस, आइसोनियाज़िड पेरिफेरल न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस के साथ में है, पाइराज़िनामाइड यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है, इथेम्ब्यूटोल विजुअल प्रॉब्लम्स करता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। अच्छा अब हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, और उसमें अब जो यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई है, उसकी एंडिंग है मैं आप लोगों को एक दफा ट्रीटमेंट समझाने लगी हूँ किस तरीके से होगा उसका, फिर इसको एंड करते हैं। छोटा सा लेक्चर था NDTB ड्रग्स, बहुत अच्छी छोटी सी और इंटरेस्टिंग भी है, ज्यादा इनमें कोई घुमावरा वाली बात नहीं है, इजी ड्रग्स है, आप लोगों को समझ आई है तो बताएं आगे चलते हैं। यस जी बच्चों जवाब से दिया है।
ठीक है बच्चों, एक पेशेंट आया है हमारे पास और वो हमारी सस्पेशन है कि इससे टीबी है, ठीक है, मतलब इसमें सिम्टम्स प्रेजेंट हैं और सारा कुछ हमें पता है कि इसको टीबी है। अब हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को हमने इनिशियल फेज रेजिम जो कि हमारी 2 months की होती है वो दे देनी है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, पाइरोज़िनामाइड एंड एथेम्ब्यूटो। 2 months के लिए हमने इसे ये रेजिम दे दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 months बाद वो पेशेंट दोबारा आएगा तो हम इसमें दोबारा स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे और उसको हम चेक करेंगे कि इसके अब स्पूटम में पॉजिटिव आता है कि नहीं आता एसिड फास्ट बैसिलस, ठीक है। अब हमने स्पूटम को चेक किया, जब हम उसके स्पूटम में जब हमने कल्चर किया तो हमने देखा कि अब वो टेस्ट नेगेटिव आ गया है। अगर वो नेगेटिव आया तो हम उसे कंटिन्यूएशन फेज देंगे ट्रीटमेंट का, जो कि 4 months का था, इसमें सिर्फ आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन देनी है, ठीक है। ये हमारा उस पेशेंट में हो गया जिसमें पहले टीबी थी, 2 months बाद उसका कल्चर नेगेटिव आया तो हमने उसे कंटिन्यूएशन फेज दे दिया। दूसरी तरफ क्या सिनेरियो हुआ कि उस पेशेंट को हमने 2 months के लिए मेडिसिन दी, लेकिन उसका जब हमने दोबारा 2 महीने बाद कल्चर किया तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया अगेन। अब इस पेशेंट में कल्चर हमारे पास पॉजिटिव आ गया, अब हम क्या करेंगे कि उसमें हम एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। उस पेशेंट का हम एक्सरे करा के देखेंगे कि उसकी एक्सरे पे कैविटेशन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो कैविटेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि टीबी अभी उसे प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि उसे कंटिन्यूएशन फेज देंगे ट्रीटमेंट का 9 months वाली रिजीम करके आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन, ठीक है, डेली या ट्वाइस वीकली मेडिसिन देंगे फॉर नेक्स्ट 7 months, 9 months की रिजीम इसकी कंप्लीट कर देंगे। दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि उसका स्पूटम तो पॉजिटिव आया था लेकिन चेस्ट एक्सरे में नेगेटिव आया, ठीक है, स्पूटम पॉजिटिव एक्सरे नेगेटिव। अब हम चेक करेंगे कि इसको कहीं एचआईवी तो नहीं है, अगर उसे एचआईवी है तो हम क्या करेंगे कि हम उसे फिर 9 months के रिजीम कंप्लीट करने के लिए 7 months के लिए अगेन आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन दे देंगे, ठीक है, डेली देंगे फॉर नेक्स्ट 7 months, यहाँ पे डेली और ट्वाइस वीकली था, ये डेली देंगे फॉर द नेक्स्ट 7 months। दूसरी तरफ क्या हुआ कि इस पेशेंट का स्पूटम पॉजिटिव आया लेकिन एक्सरे में नेगेटिव आया, इसके अलावा एचआईवी भी नहीं है पेशेंट को, तो फिर हम उसे इस तरीके से देंगे जैसे सिर्फ यहाँ पे स्पूटम ही पॉजिटिव है ना, आगे तो इसके अलावा और कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं आई, तो फिर हम उसे कंटिन्यूएशन फेज जैसे हमने पहले दिया था 4 months के लिए, वो 4 months का देंगे और 7 months का कंप्लीट इसको कर देंगे, ठीक है, सॉरी 6 months के रिजीम इसकी कंप्लीट कर देंगे, 2 months पहले थी, 4 months की अब देंगे, 6 months की रिजीम कंप्लीट हो जाएगी डेली या फिर ट्वाइस वीकली, ठीक है, समझ आ गई है ये एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स। बहुत इजी सिंपल सी ड्रग्स हैं, छोटा सा टॉपिक है, बस अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, 2 lectures हमारे रह गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगे। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे पूछ ले। मैम कितने लेक्चर्स रह गए हैं? 2 lectures रह गए हैं बच्चे, बस मिड टर्म का सिलेबस ये है बच्चों आप लोगों का कि मिड में लेक्चर्स आपके आएंगे, मेरे ज़हन से निकल गया कि मैंने सॉरी 3 to 10 लेक्चर्स, लेक्चर 3 से लेक्चर 10 तक के लेक्चर्स आएंगे आपके, 1 और 2 स्किप कर दिया, लेक्चर 3 से लेक्चर 10 तक आएंगे। ओके मैम, बहुत ज्यादा रिटर्न आने की जरूरत नहीं है, बहुत डिस्क्रिप्टिव चीज में नहीं दूंगी, कॉन्सेप्ट बना के अच्छे तरीके से पढ़ने, बाकी बहुत ज्यादा रटों की जरूरत नहीं है। मैम सिनेरियो तो होंगे बच्चे, जी बच्चे मैम जो ड्रग्स के नेम लिखे हुए
बेटा सारे सारे तो नहीं, मैंने आपको बताया था कि बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट याद कर लें, आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास से इस ड्रग का ताल्लुक है या क्या है, बाकी बहुत डीपली नहीं पूछूंगी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। ठीक मैम सिनेरियो इजी होंगे ना जो हमें समझ में आ जाएंगे। जी बच्चे, बिल्कुल इंशाल्लाह इजी होंगे, कोई ऐसे नहीं पूछूंगी, फेल नहीं करना चाहूंगी मैं, आप लोगों को पास करना नहीं चाहती हूँ। असेसमेंट का ठीक है मतलब मैम, मकसद यही होता है कि हम आप लोगों से बदले निकालें और आप लोगों को फेल करें बस, के बल्कि इनका मकसद ये है कि हम आप लोगों को प्रिपेयर कराएं ये सब्जेक्ट, इस वजह से थैंक यू सो असेसमेंट मच होता है कि आप लोगों की तैयारी हो जाए। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं, कुछ नहीं पूछना तो। ओके सर। अल्लाह हाफिज।